गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग। लास्ट टाइम पे हम लोगों ने हाइब्रिड पैरामीटर्स देखे थे, ठीक है। तो अब हाइब्रिड इक्विवेलेंट सर्किट ऐसे ड्रॉ करेंगे उस हाइब्रिड पैरामीटर से, और ट्रांजिस्टर के लिए कॉमन एमिटर, कॉमन कलेक्टर, कॉमन बेस, इनके लिए हाइब्रिड इक्विवेलेंट एंड हाइब्रिड पैरामीटर कैसे डिफाइन करेंगे ये अब देखते हैं। हाइब्रिड इक्विवेलेंट सर्किट लास्ट टाइम पे भी आपने बोल रहे हैं, ये इक्वेशन डिराइव की थी, ठीक है, दैट वी आई इज इक्वल टू एच वन वन आई वन प्लस एच वन टू वी नॉट, ठीक है। अगर इस इक्वेशन को ध्यान से देखें तो इसका ईच एंड एवरी टर्म इज हैविंग अ यूनिट ऑफ वोल्ट, ओके। एच वन वन एक रेजिस्टेंस है, इट्स इम्पीडेंस, इम्पीडेंस इज करंट इज अगेन अ वोल्ट, इसका यूनिट वोल्ट हो जाएगा। एंड आपका एच वन टू इज अ मल्टीप्लायर एंड दैट इज इनटू मल्टीप्लायर विद द वोल्टेज। नाउ लेट अस अप्लाई द किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ इन रिवर्स टू फाइंड द सर्किट दैट फिट्स द अबव इक्वेशन। अबव इक्वेशन पे के लिए जो एक सर्किट फिट बैठेगा उसके लिए हम किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगाते हैं। परफॉर्मिंग द ऑपरेशन विल रिजल्ट फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर निकल के आएगी। वी आई इज इनपुट, एज आई टोल्ड दैट एच और इसकी वजह से करंट फ्लो हो रही, दैट इज आई आई, दैट इज मल्टीप्लाइड विद एच वन वन विच इज द इम्पीडेंस, एंड एच वन टू इज द मल्टीप्लायर एंड दैट इज मल्टीप्लाइड विद द वी नॉट। तो ये आपका इक्विवेलेंट सर्किट आएगा इनपुट साइड से। नाउ लेट अस गो टू द नेक्स्ट इक्वेशन, that is I naught equals to H21 I1 plus H22 V naught. अब ये आपका इक्वेशन को ध्यान से देखें तो दिस इज नथिंग बट हैविंग अ यूनिट ऑफ करंट, ठीक है। I naught is unit, H21 is a multiplier, H22 is nothing but the conductance into V naught, that is again the current. Now applying the Kirchhoff's current law in the reverse in the above equation, since H22 तो अगर reverse order में लगाएंगे तो I naught, ये I naught is equal to H21 I1 multiplied with current source लगा दिया, बटन current source लगा दिए, plus V naught into H22 is your parallel branch में H22 conductors लगा दिया, because H22 has the unit of admittance which for the transistor model is conductors, which is represented by the resistor symbol. Kept in mind, however, that the resistance in the ohm of this resistance is equal to the reciprocal of it. Is the resistance jo hoga, that is 1 by H22. So, finally, iski wajah se jo total equivalent, complete AC equivalent circuit for the basic three terminal linear device is indicated by this figure with a new set of subscript for the H parameter. H parameter will be transistor case mein hum log thoda sa nomenclature thoda sa change kar lete hain. The notation of the figure is for more practical measures since it relates the H parameter to the resulting ratio obtained in the last few paragraph. The choice of letters of use of the following listing. Yahan par jo H11 hai isko HI se denote karta hai kyunki basically input resistance ko denote karta hai, therefore it is denoted as HI. H21 ko, that is nothing but forward transfer current ratio, theek hai. तो ये फॉरवर्ड आपका I2 by I1 होता है, तो दैट इज गिवन बाय HF. H12 इज अ रिवर्स ट्रांसफर वोल्टेज रेशियो, इनपुट अपॉन आउटपुट वोल्टेज का रेशियो होता है, दैट्स व्हाई इट इज डिनोटेड बाय HR. H22 इज नथिंग बट आउटपुट कंडक्टेंस व्हिच इज डिनोटेड बाय HO. तो फाइनल जो आप लोगों ने दो इनपुट और आउटपुट को बनाया था उसका इक्विवेलेंट सर्किट बन के आएगा, दोनों को समराइज कर देते ही आए, दिस इज द हाइब्रिड इक्विवेलेंट सर्किट। नाउ लेट अस हाइब्रिड पैरामीटर मॉडल देखते हैं डिफरेंट डिफरेंट ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन के लिए। पहला आया था कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन। कॉमन एमिटर में आईसी और वीबी, कलेक्टर करंट और बेस टू एमिटर वोल्टेज, ये दोनों डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, ठीक है। ये दोनों डिपेंड करते हैं बेस करंट और कलेक्टर एमिटर वोल्टेज पे, ठीक
ठीक है, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि VB is a dependent variable and having a function of IB and VC which is given by F1 IB VC. Similarly, collector current को हम दूसरे function से define कर देते हैं F2 IB VC. अगर इस पे मैं chain rule लगाऊं और total differential निकालूं, then DVBE, a small change in VBE, is equal to driver VBE by driver IB and set point at Q point into IB plus driver VB by driver VC VC. ऐसे ही total differential IC का निकाले और chain rule apply करें तो यहाँ पर आएगा driver IC by driver IB at the Q set point into IB plus driver IC by driver VC Q VC. अगर इनको मैं हाइब्रिड पैरामीटर से डिफाइन करो, ठीक है, फोर पार्शियल डेरिवेटिव इवैल्यूएटेड एट द क्यू पॉइंट दैट अकर इन द अबव इक्वेशन आर कॉल्ड अ कॉमन एमिटर हाइब्रिड पैरामीटर एंड आर डिनोटेड एज फॉलोस. ठीक है, ये अगर आप ध्यान दें प्रीवियस इक्वेशंस में ये सारे के सारे हाइब्रिड पैरामीटर है. ड्राइवर बीबी ई अपॉन ड्राइवर आईबी दैट इज नथिंग बट इनपुट वोल्टेज चेंज इन इनपुट वोल्टेज अपॉन चेंज इन इनपुट करंट. ठीक है, तो ये एच आई या एच I जो हम लोग कह रहे थे लास्ट मोबाइल ड्राइवर पैरामीटर में डिफाइन किया था, यहाँ पर I एक और सब्सक्रिप्ट यूज कर लिया फॉर द कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन. तो एच आई इज नथिंग बट ड्राइवर बी बी ई अपॉन ड्राइवर आई बी एट द क्यूसेट पॉइंट. रिवर्स वोल्टेज रेशियो हो जाएगा एच आर ई एट ड्राइवर बी बी ई बाय ड्राइवर बी सी. जो हम लोग कहते थे ना इनपुट वोल्टेज अपॉन आउटपुट वोल्टेज चेंज इन इनपुट वोल्टेज अपॉन चेंज इन आउटपुट वोल्टेज दैट इज द रिवर्स वोल्टेज रेशियो. तो अगर आप कॉमन एमिटर में देखेंगे तो कॉमन एमिटर में आपका जो इनपुट टर्मिनल होता है तो वो कलेक्टर टू एमिटर टर्मिनल होता है, तो इसका रेशियो है दैट इज इक्वल टू रिवर्स वोल्टेज रेशियो एट इज गिवन एज एच आर ई. अ फॉरवर्ड करंट गेट सिंपली आपका जो आउटपुट करंट कॉमन एमिटर में होगा दैट इज कलेक्टर करंट एंड इनपुट करंट जो होगा वो होगा बेस करंट. तो चेंज इन कलेक्टर करंट अपॉन चेंज इन बेस करंट इज नथिंग बट फॉरवर्ड करंट गेन एट व्हिच इज गिवन बाय एचएफई एट द क्यू पॉइंट. सिमिलरली आउटपुट एडमिटेंस हो जाएगा आपका आउटपुट करंट चेंज अपॉन आउटपुट वोल्टेज चेंज. आउटपुट करंट इस केस में आउटपुट करंट चेंज ड्राइवर आईसी अपॉन ड्राइवर बीसी दैट इज एचओई. अब ये सारे अगर पैरामीटर्स मैं प्रीवियस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करूं जो अभी हम लोगों ने ऊपर देखी थी, ठीक है, ये इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करो, इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करो, फिर यू फाइनली गेट द इक्विवेलेंट सर्किट लाइक दिस. इक्विवेलेंट सर्किट इज शोन इन बिलो एंड इज वैलिड फॉर द यूज ऑफ द सिग्नल बूस्ट एस यूजुअल फॉर अ टू पार्ट सप्लाई स्मॉल सोलर एज पैरामीटर. मेबी ये स्मॉल सिग्नल के लिए है, ठीक है, स्मॉल सिग्नल एनालिसिस. तो यहाँ पर आप देखिए जैसे कि क्वेश्चन बता रही है बीबी इज nothing but H I E I B H R E ये V C E है H R E V C E. और दूसरी तरह से आपका हो जाएगा I C equals to H F E I B plus H O E V C. तो this is your common emitter small signal equivalent circuit using H parameter. ऐसे ही हम कॉमन बेस का डिफाइन कर सकते हैं. कॉमन बेस के केस में IC एंड VEB आर टेकन एज इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन द कॉमन बेस ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन. देन एज इन CE एज इन कॉमन एमिटर केस इक्विवेलेंट कैन बी फाउंड स्पेसिफिकली फॉर स्मॉल एग्जीक्यूशन अपॉन द क्यू पॉइंट. द रिजल्ट्स आर VEB इसमें क्या हो जाएगा VEB HIB IE प्लस HRB BC. ठीक है, इट विल बी HIB IE. ठीक है, IE प्लस HRB BC. और IC के लिए इक्वेशन हो जाएगी HFB IE प्लस HOB BC. इसका इक्विवेलेंट अगर सर्किट ड्रॉ करेंगे तो जैसा कि फर्स्ट इक्वेशन बता रही है VEB इज इक्वल टू IE इनटू HIB एंड डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स इज देयर HRB VC.
ऐसे आउटपुट के लिए आईसी इक्वल्स टू एचएफबीआई यानी डिपेंडेंट करंट सोर्स प्लस एचओबीबीसी. दिस इज अ कॉमन बेस स्मॉल सिग्नल इक्विवेलेंट सर्किट वेयर दिस एचआईबी एचआरबी एचएफबी एचओबी इज डिफाइंड एज द पार्शियल डेरिवेटिव डिफरेंशियल ऑफ द कॉमन बेस हाइब्रिड पैरामीटर्स आर. तो ये आपका जो इनपुट एच आई बी इज नथिंग बट इनपुट रेजिस्टेंस फॉर द कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन व्हिच इज गिवन एज डेबर वी बी वी ई बी अपॉन डेबर आई एट द क्यू पॉइंट. एच आर बी इज नथिंग बट रिवर्स वोल्टेज रेशियो व्हिच इज नथिंग बट इन द केस ऑफ कॉमन बेस इट इज डेबर वी ई बी अपॉन डेबर वी सी बी एट द क्यू पॉइंट. एच एफ बी इज नथिंग बट फॉरवर्ड करंट गेन व्हिच इज फॉर द कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन इट इज डेबर आई सी अपॉन डेबर आई एट द क्यू पॉइंट. HOB is nothing but output admittance for the common base configuration, and for this it is double IC upon double VCB at the Q point. This is how the hybrid parameters for the common base configurations are defined. Now let us see for the common collector transistor configuration. For the common collector transistor configuration, the input terminal for a common collector configuration is between base and collector. So, common collector ke case mein jo input terminal hota hai wo base and collector hota hai, aur output terminal jo hota hai wo emitter and collector hota hai. Theek hai. Ab iske liye jo four S parameters jo common collector ke liye defined honge, wo is tarah se honge. इसमें जो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा वो बीबीसी होगा और आईई होगा. ठीक है, इसमें बीबीसी एंड आईई होगा और बीबीसी इक्वल इट विल बी इक्वल टू एचआईसी आईबी प्लस एचआरसी बीडीसी. आईई इक्वल्स टू एचएफसी आईबी प्लस एचओसी बीडीसी. अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट इक्वेशन बीबीसी इक्वल्स टू एचआईसी आईबी. एचआईसी रेजिस्टेंस हो जाएगा input impedance into IB or HRC BEC where HRC is nothing but a multiplier. So यहाँ पर एक voltage एक dependent voltage source लगा देंगे HRC BEC. ऐसे ही output case में IE is equal to HFC IB plus HOC BEC. तो IE is equal to HFC IB plus HOC BEC. So this is the equivalent circuit for the common collector transistor configuration. यहाँ पर ये parameters defined कुछ इस तरह से होंगे. Hybrid parameter model जो partial derivative definition for the common collector hybrid parameters are यहाँ पर HIC है. That is nothing but input resistance for the common collector configuration, and this is the ratio of the change in the base collector voltage upon change in base current, double VBC upon double IB at the Q point. HRC is nothing but reverse voltage ratio. This is reverse voltage ratio, double VBC upon double VEC. The base to collector voltage ka change upon एमिटर टू कलेक्टर वोल्टेज का चेंज. ठीक है, ये इनपुट है ऊपर वाला और नीचे वाला आउटपुट वोल्टेज. दिस इज द रिवर्स वोल्टेज रेशियो फॉर द कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन. नाउ एचएफबी इज नथिंग बट द फॉरवर्ड करंट गेन. ये एफबी नहीं एफसी हो, एचएफसी. दिस इज द फॉरवर्ड करंट गेन फॉर द कॉमन कलेक्टर पैरामीटर, एंड इन दिस केस द आउटपुट करंट इज आई and the input current is IB. So IB upon double IE upon double IB over at the Q point. And finally, HOC is nothing but the output admittance for the common collector configuration. Of output admittance है, तो इसमें output current आपकी double IC upon VEC at the Q point. So these are the ये आपके तीनों कॉन्फ़िगरेशन होंगे सी बी सी सी सी. इनका हाइब्रिड इक्विवेलेंट सर्किट हमने देख लिया.
इनके हाइब्रिड पैरामीटर्स देख लिए। अब नेक्स्ट आते हैं एनालिसिस ऑफ ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर। हाइब्रिड पैरामीटर के बेसिस पे हम ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर को कैसे एनालिसिस कर सकते हैं, लेट अस सी दैट। In order to use a transistor as an amplifier, it is sufficient to provide a signal source. Transistor का अगर amplifier use करना हो तो आपको पहले तो उसको एक signal source and an input देना पड़ेगा for the transistor terminal and to drive the appropriate load. और finally output पे एक appropriate load लगाना पड़ेगा तो ये कैसे amplifier work करेगा। तो एक basic block diagram मैंने यहाँ पर बना दिया। ये एक two port active network जो normally आपका transistor होगा। यहाँ पर एक सोर्स लगा रखा है दैट इज हैविंग वोल्टेज Vs एंड हैविंग अ वोल्टेज सोर्स का जो इनपुट इंपेडेंस जो उसका इंटरनल इंपेडेंस है या रेजिस्टेंस है दैट इज Rs और फाइनली आउटपुट पे एक लोड लगा रखा है दैट इज Zn। इनपुट पे आपका करंट I1 जा रहा है ठीक है जो 11 डैश से फ्लो हो रहा है 11 डैश पर जो वोल्टेज है दैट इज V1। इनपुट इंपेडेंस हम Zi से शो डिनोट करेंगे। आउटपुट करंट जो है दैट इज आई टू, टू टू डैश पर जो वोल्टेज है दैट इज वी टू और लोड लगा रखा है जेड एल और उसमें लोड में जो करंट फ्लो होगी दैट इज आई। लेट अस डू द एनालिसिस। अच्छा एनालिसिस करने से पहले कुछ चीजें जो जान लें। प्रॉपर बायसिंग ऑफ द ट्रांजिस्टर एंड द सिलेक्शन ऑफ द ऑपरेटिंग पॉइंट आर अज्यूम्ड ठीक है। ये मान के चलते हैं कि ट्रांजिस्टर की हमने प्रॉपर बायसिंग कर रखी है और हमने क्यू पॉइंट ऑपरेटिंग पॉइंट पहले से सिलेक्ट कर रखा है एंड द ट्रांजिस्टर इज अवेलेबल एज अ डिवाइस दैट कैन एम्पलीफाई द इनपुट्स आर नॉट अवेलेबल ऑफ लो फ्रीक्वेंसी एंड स्मॉल सिग्नल एम्पलीट्यूड। और ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर किसी भी इनपुट सिग्नल को जो कि लो फ्रीक्वेंसी और लो एम्पलीट्यूड का उसको वो एम्पलीफाई कर सकता है ठीक है। और ऐसी किसी भी एसी एनालिसिस के लिए ठीक है जो डीसी बायसिंग वोल्टेज और करंट जो रिक्वायर्ड है डिवाइस को प्रॉपरली बायस करने के लिए एक्टिव रीजन में उसको ऐसी एनालिसिस करने जो अभी एसी एनालिसिस करने जा रहे हैं तो वहां पर सारे डीसी बायसिंग और करंट्स को हम जीरो अस्यूम कर लेते हैं ठीक है। क्योंकि एसी एनालिसिस है तो डीसी का वोल्टेज और करंट का वैसे भी कोई रोल नहीं ठीक है। इन द अबव फिगर आरएस is the source of resistance, but is the load resistance for analyzing the amplifier. One has to replace the active device by its equivalent circuit, and for the transistor, a small signal and parametric model is used and equivalent circuit as shown as shown in figure. तो यहाँ पर अब two port जो parameter हमने बीच में बना रखा था वहाँ पर मैं amplifier analysis के लिए transistor का H parameter model implement करता हूँ। ठीक है तो यहाँ पर एच पैरामीटर मॉडल मैंने उसमें इंट्रोड्यूस कर दिया। यहाँ पर मैंने जो सेकंड सफिक्स है वो मैंने हटा दिया। एच आई है, एच आर है, एच एफ है, एच ओ है। तो दिस इज अ स्मॉल सिग्नल ट्रांजिस्टर इक्विवेलेंट मैंने भी इंट्रोड्यूस कर दिया ठीक है। सफिक्स इसके हटा दिया कि ये आप किसी भी जनरल कॉन्फिग्रेशन को यूज कर सकते हैं चाहे वो कॉमन कलेक्टर हो चाहे कॉमन एमिटर हो चाहे कॉमन बेस ठीक है। It is assumed that the parameters are constant over the range of operation. तो अब किसी भी amplifier analysis करने के लिए तो parameter हमारे interest के होते हैं वो है voltage gain, current gain, input impedance and output impedance. Let us see that ये कैसे निकालेंगे। अब सबसे पहले निकालते हैं करंट गेन। मैंने सर्किट सामने रख लिया। द करंट एम्पलीफिकेशन ए आई फॉर द ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर स्टेज द करंट एम्पलीफिकेशन ए आई
or the transistor amplifiers can be defined as a ratio of output current to the input current. ये output current upon input current का ratio को current gain कहते हैं. यहाँ output current आपको figure में बोल सकते हैं. तो यहाँ पर आउटपुट करंट आपका लोड करंट है अपॉन I1 इज द इनपुट करंट. ठीक है, या फिर इसको हम लोग माइनस I2 बाय I1 भी कह सकते हैं. I1 इज नथिंग बट माइनस I2. अब फ्रॉम द सर्किट अप्लाई KCL टू द आउटपुट नोड पर KCL अप्लाई करें तो I2 इज नथिंग बट HF I1, तो ये HF I1 प्लस H0 इंटू V2, और जो V2 है दैट इज नथिंग बट IL Z. तो ये V2 यहाँ सब्सटीट्यूट कर दें. ठीक है, ये H0 I2 ZL हो जाएगा. ठीक है, और I2 के लिए सॉल्व करें और सब्सटीट्यूट कर दें ऊपर वाली इक्वेशन में, तो करंट गेन निकल के आएगा माइनस I2 बाय I1 व्हिच इज इक्वल टू माइनस HF अपॉन 1 प्लस H0 ZL. दिस इज 1 प्लस H0 ZL. The negative sign in the above equation indicates that this is a phase shift of 180 degree. ठीक है, negative sign ये show कर रहा है कि आपका जो output है वो 180 degree phase shift के साथ input ये होता है. Now let us see the input impedance. The input impedance is seen between the two terminal 1 and 1 dash. Input impedance हम 1 और 1 dash को ये देखते हैं. तो input impedance ZI can be, तो यहाँ पर ZI क्या होगा? Simply VI upon II. VI upon II. Now अगर मैं input loop में KVL apply करूँ तो V1 is nothing but HI I1 प्लस HR V2, और V2 हमने पहले निकाल लिया, दैट इज नथिंग बट I2 ZL, या I2 ZL होगा. ठीक है, I2 को अगेन हम ले सकते हैं, इट इज नथिंग बट AI करंट गेन इनटू I1. अब ये पूरा इक्वेशन को उठा के मैंने दोनों V1 और V2 को उठा के मैंने ZI की ऊपर वाली इक्वेशन में सब्सटीट्यूट किया, या ऐसे करिए कि डिवाइडिंग द इक्वेशन 1 बाय I1, इक्वेशन 1 को मैंने I1 से एंड सब्सटीट्यूटिंग द इक्वेशन 2, तो आपको फाइनली मिल जाएगा V1 अपॉन I1 आएगा यहाँ पर इक्वल्स टू HI प्लस HR अपॉन HR V2 बाय I1. और V2 की जगह पर आपने रख दिया A1 I1 of ZL, तो I1 कैसे हो जाएगा? You will get it A1 ZL into HR. तो ZI equals to HI plus HR AI ZL. This is the input impedance. It can be observed that input impedance is a function of load impedance. इससे पता लगता है कि input impedance आपका load impedance का function. तो ये हो गया आपका इनपुट इंपेडेंस. नाउ द वोल्टेज गेन, द वोल्टेज गेन और वोल्टेज एम्पलीफिकेशन इज सिंपली द रेशियो ऑफ द आउटपुट वोल्टेज टू द इनपुट वोल्टेज एंड कैन बी गिवन एज V2 अपॉन V1. V2 हमें मालूम है पहले ही, कल की जो प्रीवियस इक्वेशन हमने निकाल चुके, it is AI I1 ZL. Okay, it is AI I1 ZL, or V1 upon I1 is nothing but ZL input. ZL input hai. So finally you have got that AB voltage gain is nothing but the current gain into the load impedance upon the input impedance. This is the voltage gain for
transistor amplifier circuit. अच्छा अभी तक हम लोगों ने जो वोल्टेज एम्पलीफिकेशन निकाला वहां सोर्स इम्पीडेंस को कंसिडरेशन में नहीं लिया. नाउ अगर वोल्टेज एम्पलीफिकेशन अगर सोर्स इम्पीडेंस को कंसिडरेशन में ले the voltage application taking source impedance into consideration is called the ABS se show kare can be defined as the ratio of the output voltage to source voltage. Output voltage of source voltage ke ratio ko amplification factor kehte hain. To yahan par v2 upon vs hoga aur v2 by vs ko hum sakte hain v2 by v1 into v1 by vs aur v2 by v1 v humko malum that is nothing but voltage gain into v1 by vs. From the equivalent circuit of the input amplifier, the equivalent circuit है वहाँ पर अगर ध्यान से देखें, अगर पेश करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर अगर फिगर पर आप ध्यान से देखें, V1 is nothing but V1 क्या है? It is simply voltage Vs. ZI upon ZI plus RS. ठीक है, आप वोल्टेज डिवाइडर रूल लगा देंगे यहाँ पर सोर्स वोल्टेज इनटू यहाँ पर ZI क्योंकि यहाँ इनपुट मतलब पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट इनपुट इम्पीडेंस कुछ होगा यहाँ पर ZI अपॉन ZI प्लस RS. तो इसको अगर उठाकर ऊपर वाले इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करें तो ABS इज नथिंग बट AB जड़ाई अपॉन जड़ाई प्लस आरएस. आपका बीएस बीएस कैंसिल हो जाएगा. ओके और दिस कैन दिस इज ए बी जड़ाई इज नथिंग बट इट कैन बी आल्सो रिटन एज एआई जड़ाई. तो चेक करिएगा दोनों को अगर सेम सॉल्व करेंगे तो सेम चीज आएगी. नाउ let us find the current amplification taking source impedance into consideration. Agar current amplification solve kare agar the source impedance ko consideration mein rakhte hue to agar isko main kahu AIS so it is the ratio of the output current to the source current. Source current that is means I2 by IS ka ratio hoga. तो अगर यहाँ पर I2 by IS को हम लिखते हैं कि इट इज माइनस I2 by I1 into I1 by IS या I2 by I1 हमें मालूम है दैट इज नथिंग बट करंट गेन AI I1 by IS. अगेन मैं यहाँ पर फिगर लेके आता हूँ. तो अगेन यहाँ पर I1 देखें I1 इज नथिंग बट IS RS अपॉन ZI प्लस RS. करंट डिवीजन रूल लगा दिए मैंने कि I1 जो इधर फ्लो हो रही है दैट इज नथिंग बट इनपुट सॉरी अपोजिट ब्रांच रेजिस्टेंस दैट इज RS अपॉन इनपुट इंपेडेंस प्लस RS. ओके तो अगर इसको मैं यहां सब्स्टिट्यूट करता हूं एंड AIS इज नथिंग बट A1 RS अपॉन ZI प्लस RS. This is the current amplification taking source impedance into consideration. Now let us see the output impedance. Now output impedance Z0 can be defined as the ratio of the voltage to the current when the voltage source V2 drives the output circuit. Again, the output impedance Z0 is a वोल्टेज और करंट का रेशियो जब आपका वोल्टेज सोर्स V2 पूरे आउटपुट सर्किट को ड्राइव कर रहा हो विद द लोड सेट टू इंफिनिटी और लोड मैंने इंफिनिटी सेट कर रखा हो एंड द सोर्स वोल्टेज सेट टू जीरो और वो सोर्स वोल्टेज आपका जीरो. इफ I2 इज द करंट ड्रॉन बाय द आउटपुट सर्किट. ठीक है I2 उस वक्त अगर करंट ड्रॉन बाय द आउटपुट सर्किट है तो Z0 इज नथिंग बट V2 बाय I2 with the ZL equals to infinity and VS equals to zero. Applying the KCL to the output node, अगर output node पे KCL apply करेंगे, तो I2 is nothing but HF I1 plus H0 V2. Circuit
I2 is nothing but HF I1 plus H0 V2. ठीक है, इसको यूज करते हैं. It is convenient to work with Y0, that is 1 upon Z0. ठीक है, Y0 जेड नॉट की जगह हम लोग आउटपुट एडमिटेंस अगर यूज करें, ठीक है, तो अबव इक्वेशन हो जाएगी y नॉट इज इक्वल टू एचएफ आई1 अपॉन v2 प्लस h नॉट. ठीक है, मैंने i2 की जगह पर एचएफ आई1 प्लस h नॉट v2 रख दिया है और 1 अपॉन करना था तो उसको रिवर्स कर दिया है. रिवर्स करके मुझे मिल जाएगा y नॉट इज इक्वल टू एचएफ आई1 अपॉन v नॉट प्लस h नॉट. व्हिच vs इक्वल्स टू 0 फ्रॉम द इनपुट लूप. अगर Vs अगर जीरो रखेंगे तो फ्रॉम द इनपुट लूप अगर मैंने Vs इक्वल टू जीरो किया तो इनपुट लूप में क्या होगा, इट इज आर एस आई वन प्लस एच आई आई वन प्लस एच आर वी टू इक्वल टू जीरो. अप्लाई कर दिया इसमें तो यहां से आपका निकल के आ जाएगा कि आई वन बाई वी टू इज नथिंग बट माइनस एच आर बाय एच आई प्लस आर एस. ये उठा के आई वन बाय वी टू एंड ऊपर वाली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दिए तो यू विल गेटिंग दैट वाई नॉट इज इक्वल टू एच नॉट माइनस एच आर एच एफ अपॉन एच आई प्लस आर. तो आउटपुट इम्पीडेंस की जगह मैंने आउटपुट एडमिटेंस आपका कैलकुलेट कर दिया. दैट इज मोर इम्पोर्टेंट पैरामीटर इन द केस ऑफ आउटपुट. वाई नॉट इक्वल्स टू एच नॉट माइनस एच आर HF upon HI plus RS. तो इस तरह से हम लोगों ने सारे ट्रांजिस्टर एनालिसिस के सारे पैरामीटर्स निकाल लिए. नेक्स्ट टाइम इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे. हैव अ नाइस डे.